हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रोमांटिक कॉमेडी मूवी को, जिसे 2006 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है सीज द मैन, जिसे डायरेक्ट किया था एंडी फिकमैन ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। इस फिल्म में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम बायला नाम की बंदी को देखते हैं जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो कॉर्नबॉल एकेडमी की तरफ से फुटबॉल खेलती है और उनकी टीम को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनकी टीम में कुछ लड़कियां अच्छी तरह से नहीं खेलती थीं और उनकी टीम पूरी भी नहीं थी। लेकिन बायला फुटबॉल अच्छा खेलती थी, लेकिन स्कूल की टीम को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम को बाहर कर दिया जाता है। बायला अपने कोच से बात करती है और उससे कहती है, हमारी टीम को निकाल दिया गया है, आप हमें लड़कों की टीम में शामिल कर लो, मैं काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलती हूँ। जिसे सुनकर कोच उससे कहता है, लड़कियाँ कभी भी लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। तभी वहाँ पर लड़कों की टीम भी आ जाती है जिसमें बायला का बॉयफ्रेंड जस्टिन भी होता है। कोच उनसे कहता है, लड़कियाँ तुम्हारी टीम में खेलना चाहती हैं। जस्टिन कहता है, लड़कियाँ हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, वो हमारे जितना फास्ट नहीं खेल सकती। इतना सुनते ही बायला अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और घर पर आ जाती है। फिर उसका भाई सेबेस्टियन उसे कहता है, वो लंदन जा रहा है क्योंकि हमारे बैंड को लंदन में प्रोग्राम करने का चांस मिला है। और वो उसे कहता है, मॉम को लगेगा मैं डैड के पास हूँ और डैड को लगेगा मैं मॉम के पास हूँ, इससे मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। असल में उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन बायला कहती है, तुम्हारा स्कूल नया है और तुम्हें पिछले स्कूल से भी इसीलिए निकाला गया था क्योंकि उसमें तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। सेबेस्टियन उसे कहता है, तुम कोई बहाना बना देना और मेरी मॉम बनकर बात कर लेना और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सेबेस्टियन उसे कहता है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो कभी कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। इससे बायला मोटिवेट होती है और सोचती है, मुझे भी फुटबॉल खेलने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो अपने फ्रेंड पॉल के पास जाती है जो कि एक फैशन डिज़ाइनर होता है। वो उसे कहती है, मुझे सेबेस्टियन जैसा बना दो। लेकिन पॉल उसे कहता है, तुम्हारी आवाज़ का क्या होगा और तुम्हारी मेंटेलिटी। लेकिन बायला कहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेबेस्टियन अपने नए कॉलेज अभी तक गया ही नहीं है। अगर मैं उसकी जगह जाऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा और 15 दिन में उनका मैच कॉर्नबॉल की टीम से होने वाला है और उन्हें मैं ज़रूर हराऊंगी, जिससे मैं अपने कोच और जस्टिन को साबित कर दूंगी कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती। उसके बाद पॉल उसे चेंज करने में लग जाता है। फिर बायला लड़कों जैसा चलना सीखती है, उनकी जैसी एक्टिविटी करने लगती है। फिर वो फाइनली सेबेस्टियन बनकर उसके स्कूल जाती है, लेकिन कार से निकलते ही वो घबरा जाती है और पॉल से कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन पॉल उसे मोटिवेट करता है और कहता है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, ना तुम्हें कोई पहचान सकता है, तुम ये कर सकती हो और फुटबॉल के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। फिर बायला अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो अपने रूममेट से मिलती है जिसका नाम ड्यूक होता है। फिर हम देखते हैं फुटबॉल का सिलेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बायला कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती और कोच दो टीम बनाता है, एक फर्स्ट टीम और एक सेकंड टीम, और बायला सेकंड टीम में चली जाती है। इस बात से बायला काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता था वो काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलती है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाती। लेकिन अब वो फुटबॉल सीखना चाहती थी। फिर सारे लोग नहाने चले जाते हैं क्योंकि ये फुटबॉल खेलते टाइम काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो लड़कों के बीच नहीं नहा सकती थी। लेकिन तभी उसका कोच वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। लेकिन प्रिंसिपल उससे कुछ खास बात नहीं पूछता, वो बस उससे हालचाल पूछता है। फिर डिनर टाइम में वो सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन सब उससे बोर हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बातें कर रही थी, इसलिए सब उसके पास से चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो पॉल से बात करती है और उसे बताती है, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और हो सकता है मैं फुटबॉल टीम में जगह भी ना बना पाऊँ। पॉल उससे कहता है, मैं तुम्हारी फुटबॉल में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता हूँ। मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ ड्रामा कर सकती हैं, जिससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। जब अगले दिन वो कैंटीन में जाती है, तब कुछ लड़कियां उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हों। ये सब देखकर सभी लड़के जेलस फील करते हैं, सभी को लगता है सेबेस्टियन बंदा बड़ा कूल है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है, सेबेस्टियन की असली गर्लफ्रेंड मोनिक वहाँ आ जाती है क्योंकि ये सेबेस्टियन को अच्छी तरह से जानती है
इसलिए वो बायला को पहचान लेगी। तब वो उससे बचकर भागने लगती है और मोनिक की इंसल्ट कर देती है, जिससे सभी लड़के उससे पसंद करते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन सभी स्टूडेंट्स लैब में होते हैं, जहाँ पर टीचर उन्हें चिट्स देती है उनके लैब पार्टनर बनाने के लिए। सेबेस्टियन की पार्टनर ओलिविया बन जाती है, जिसे ड्यूक बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो आज तक उसे कुछ कह नहीं पाया था। फिर ओलिविया और सेबेस्टियन की अच्छी दोस्ती हो जाती है, ओलिविया उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद ड्यूक उससे कहता है, अब तुम रोज़ ओलिविया के साथ एक घंटा रहोगे, प्लीज़ उससे मेरी दोस्ती कराओ और उसे मेरे साथ डेट पर भेज दो। अब ये दोनों एक डील करते हैं, ड्यूक सेबेस्टियन को फुटबॉल सिखाएगा और स्कूल टीम में उसे लेगा, और सेबेस्टियन ड्यूक की फ्रेंडशिप ओलिविया से कराएगा। फिर सेबेस्टियन फुटबॉल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और जल्दी ही वो सेकंड टीम से निकलकर फर्स्ट टीम में आ जाता है। फिर एक दिन बायला के पास असली सेबेस्टियन यानी उसके भाई का कॉल आता है कि तुमने मेरे स्कूल में फ़ोन कर दिया था। तब बायला कहती है, मैंने यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर अगले दिन सेबेस्टियन ओलिविया से पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है तुम ड्यूक के साथ डेट पर जाओ? ओलिविया कहती है, ड्यूक मेरे टाइप का नहीं है। लेकिन सेबेस्टियन उसे कहता है, वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का ही है, तुम्हें एक बार उसके साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। ओलिविया उसे कहती है, तुम भी काफ़ी अच्छे हो और तुम ही एक ऐसे लड़के हो जिसने मुझे अभी तक डेट के लिए नहीं पूछा है। सेबेस्टियन उसे कहता है, तुम मेरी टाइप की नहीं हो और हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर फाइनली ओलिविया कहती है, हाँ मैं ड्यूक के साथ डेट पर जाऊँगी। फिर वो ये सब जाकर ड्यूक को बताता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी सेबेस्टियन की मॉम का वॉइस नोट आता है कि तुमने और बायला ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल के कार्निवाल में तुम लोग मेरे साथ आओगे। लेकिन सेबेस्टियन इसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि असली सेबेस्टियन तो वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन ड्यूक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर ओलिविया भी आ रही थी। फिर हम देखते हैं अगले दिन ये सभी कार्निवाल में पहुँच जाते हैं, जहाँ सेबेस्टियन को सबसे पहले मोनिक दिखाई देती है, जो असली सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए सेबेस्टियन उससे बचकर भाग जाता है। इसके बाद वो अपना गेटअप बदलकर अपनी मॉम से मिलती है। थोड़ी देर बाद उसे जस्टिन मिलता है, वो उसका एक्स होता है जिसे वो पहले ही छोड़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से गेटअप चेंज करके सेबेस्टियन बन जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से बायला बनकर बाहर आती है। फिर वो किसिंग बूथ में चली जाती है, जहाँ उसकी ड्यूटी होती है। चांस होता है ड्यूक का, ड्यूक उसे किस करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बायला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन आ जाता है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बायला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन ड्यूक सेबेस्टियन से पूछता है कि तुम तो गायब ही हो गए थे। सेबेस्टियन कहता है, वहाँ पर एक पागल लड़की आ गई थी, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। वो उसके मुँह पर लगी चोट को देख कर कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ड्यूक उसे बताता है, मेरी लड़ाई हो गई थी तुम्हारी सिस्टर के एक्स बॉयफ्रेंड से, और हाँ मुझे तुम्हारी सिस्टर पसंद है, मुझे लगता है मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, मैं उससे रियल फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, ना कि फिजिकल फ्रेंडशिप। सेबेस्टियन उससे कहता है, अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद है तो तुम्हें उसके साथ घूमने जाना चाहिए। दरअसल बायला ड्यूक को पसंद करने लगी थी। फिर कुछ टाइम बाद ड्यूक सेबेस्टियन को कहता है, मुझे तुम्हारी सिस्टर से डेट के लिए पूछना चाहिए, जिसे सुनकर सेबेस्टियन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हम ओलिविया को देखते हैं, जो सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, लेकिन सेबेस्टियन ने उसे पहले ही कहा था वो उसके टाइप का नहीं है, जिसे सोचकर वो काफ़ी दुखी होती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तुम्हें सेबेस्टियन को जेलस फील कराना चाहिए, तभी वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होगा। इसलिए ओलिविया ड्यूक को पसंद करने का नाटक करने लगती है और रात में उसे पार्टी में इनवाइट करती है, जिससे वो वहाँ सेबेस्टियन को जेलस फील करा सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन वो सेबेस्टियन बनकर जेलस फील नहीं कर रही थी, बल्कि वो बायला बनकर जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो ड्यूक को पसंद करने लगी थी। फिर हम देखते हैं असली सेबेस्टियन का बायला को वॉइस मैसेज आता है कि मैं एक दिन पहले ही लंदन से वापस आ रहा हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लड़कियाँ गर्ल्स पार्टी में चली जाती हैं, जहाँ बाथरूम में बायला ओलिविया और मोनिक आ जाती है, जहाँ मोनिक कहती है मैं सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड हूँ, ओलिविया कहती है मैं उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और वो तुम्हें छोड़ चुका है। वो तीनों आपस में ही लड़ने लगती हैं। फिर हम दूसरी तरफ मेलकम नाम के लड़के को देखते हैं, जो प्रिंसिपल से कहता है सेबेस्टियन बहुत अजीब लड़का है, वो बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता है और किसी के सामने नहाता भी नहीं, वो अकेले रात में नहाता है, मुझे लगता है वो लड़की है। फिर असली सेबेस्टियन कॉलेज में पहुंच जाता है,
जहां ओलिविया उसे किस कर देती है और ऊपर से ड्यूक उसे देख लेता है। जब नकली सेबेस्टियन रूम में आता है तो ड्यूक उसे कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने ओलिविया को किस किया था। लेकिन बायला को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने ओलिविया को किस नहीं किया था। अब नकली सेबेस्टियन दूसरी लड़की के साथ कमरे में जाकर सो जाता है और असली सेबेस्टियन अपने रूम में आकर सो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं उसके टीम प्लेयर उसे जगाकर ग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि आज फुटबॉल का मैच होता है और बायला रूम में सोती रहती है। फिर दूसरी तरफ हम मेलकम और मोनिक को देखते हैं जो सेबेस्टियन की इंक्वायरी निकाल रहे थे और उन्हें उनकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। फिर वो इस सब के बारे में प्रिंसिपल को बता देते हैं। प्रिंसिपल इनके मॉम डैड को बुला लेता है सेबेस्टियन की सच्चाई और उसका गेम दिखाने के लिए, लेकिन रियल सेबेस्टियन फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं बायला जाग जाती है और भागकर ग्राउंड की तरफ जाने लगती है, लेकिन अब गेम स्टार्ट हो चुका था क्योंकि रियल सेबेस्टियन को तो अच्छा फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बेकार रहती है और उनकी टीम हारने लगती है। फिर गेम में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, उनका प्रिंसिपल ग्राउंड में आ जाता है और उनके मॉम डैड को कहता है कि सेबेस्टियन एक लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। लेकिन यहाँ पर असली सेबेस्टियन कहता है मैं लड़का हूँ और प्रूफ के लिए वो अपने शॉर्ट्स को नीचे उतार देता है और प्रिंसिपल कहता है यहाँ पर देखने दिखाने का कुछ नहीं है, इसे ऊपर करो और गेम खेलना स्टार्ट करो। और अब वो मेलकम पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसी ने सच्चाई बताने के लिए कहा था। फिर यहीं पर हम बायला को देखते हैं जो एक जगह पर छुपी होती है और वो अपने पास सेबेस्टियन को बुलाती है और उसे सब कुछ शॉर्ट में बताकर गेम खेलने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं फिर से ड्यूक और जस्टिन में लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है और इन सब से परेशान होकर बायला अपनी सच्चाई सभी को बता देती है कि मैं फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए वो अपनी टी शर्ट उठाकर सबको साबित कर देती है कि वो एक लड़की है। फिर सभी गेम को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जस्टिन की टीम वाले कोच मना करते हैं कि हम लड़कियों के साथ नहीं खेलते। वहीं पर हेड आकर कहता है हम एक आज़ाद देश में रहते हैं जहां पर लड़का और लड़की एक समान है, और गेम कंटिन्यू हो जाता है और बायला गोल करती है, फिर उनकी टीम जीत जाती है। इस तरह वो साबित कर देती है कि वो एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर है और वो लड़कों से कम नहीं है और कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती। फिर हम देखते हैं रात को ड्यूक और बायला डेट पर जाते हैं जिनमें काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ये स्कूल में साथ मिलकर रैंप वॉक में पार्टिसिपेट करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।